हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेंटोर सीएमए रोहन शर्मा। और आप सबके लिए फिर से मैं एक सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूं। दिसंबर 23 अटेम्प्ट में अमित ने सीएमए क्वालिफाई किया, और दिसंबर 23 अटेम्प्ट का हाईएस्ट पैकेज 20 लाख रुपीज का गेल इंडिया का था, और अमित का गेल में सिलेक्शन हुआ है। तो हम सुनते हैं अमित की स्टोरी, कैसी रही उनकी सीएमए जर्नी, और सबसे पहली तो कैसा फील हो रहा है अमित आपको आफ्टर गेटिंग योर फर्स्ट ऑफर इन सीएमए कैंपस और वन ऑफ द टॉप महारत्ना कंपनी ऑफ इंडिया। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अमित। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब गेल में सिलेक्शन हुआ उसके लिए। एंड थैंक्स टू ऑल, एंड सर आपको भी, बहुत आपने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा लग ओके, रहा है। थैंक्स थैंक्स। अच्छा अमित, जब आपको ऑफर मिला गेल से, तो आपको बिलीव हो रहा था कि आप वही अमित हो? नहीं सर, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मतलब हम फर्स्ट डे पे ही गेल आई थी, तो मतलब उसी के इंटरव्यू में, बहुत लेट इंटरव्यू था, सुबह से बैठे थे लास्ट में। तो लास्ट में जाके इंटरव्यू आया, तो 6-7 बजे के आसपास रिजल्ट आया, जिसमें केवल तो ओनली 3 बच्चों का हुआ था, तो उसमें मेरा भी नाम था। तो बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे। एंड उस दिन एक दो कंपनीज में मैंने इंटरव्यू दिए थे, बट सब में मतलब रिजल्ट सबके बाद बाद में अनाउंस हुए थे। तो गेम में सबसे पहले दिन में ही, और पहले उसी दिन रिजल्ट भी अनाउंस हो गया था रात में 6-7 बजे, मतलब उसी दिन कैंपस हो गया था मेरा। तो बहुत अच्छा लगा था। ग्रेट। सो जब आपने पापा और मम्मी को बताया या भैया को बताया आपने, तो लाइक उनका रिएक्शन कैसा था? बहुत अच्छा रिएक्शन था, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब है, एक इतना अच्छा पैकेज है, वो भी स्टार्टिंग में ही मिल गया। तो मतलब पेरेंट्स की और भाई की बहुत अच्छी फीलिंग्स थी, एंड सबने बहुत वो करा कि यू हैव समथिंग, डू समथिंग ग्रेट। तो यही था। राइट राइट। अच्छा, आपको मेरी मेंटरशिप इंटायर और सीएमए जर्नी आपको कैसी लगी जब आपका कैंपस हुआ? तो बहुत अच्छी थी, स्टार्टिंग से ही आपने बहुत सपोर्ट करा, एंड हर चीज में करा, जैसे रिज्यूमे प्रिपरेशन से लेके सबमिट करने तक, और भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल भरने होते हैं इंस्टीट्यूट के, कैसे ड्रेसअप होना है, हर चीज में आपने क्लासेस रखी थी। आपका जो मटेरियल था काफी सफिशियंट था हर सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि हमारे जो मतलब 8 सब्जेक्ट्स होते हैं फाइनल में, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने थे। तो आपने बहुत डीपली जाके उसे वो करके बुक्स वगैरह बनाई थी, जो कि काफी मतलब समराइज थी, तो काफी आसानी हो गई थी लास्ट के, क्योंकि लास्ट में 5-6 दिन में ही पढ़ा था बस मैंने। तो काफी अच्छा था जो भी मटेरियल था, एंड क्लासेस थी तो जीडी क्लासेस थी, उनमें काफी हेल्प हुई। कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी स्टार्टिंग में, बट सारी कंपनीज लगभग जीडी लेते हैं, रेल में भी मेरा जीडी हुआ था, तो काफी अच्छा गया था। आपकी क्लासेस ले लेते थे, काफी एक्सपीरियंस हो गया था, काफी इतना हेजिटेशन नहीं हुआ था उस टाइम पे। ग्रेट ग्रेट। सो अच्छा, आप लाइफ में दो सबसे बिग मोमेंट होते हैं, एक तो जब आप सीएमए बनते हो तब, और एक आपको जब जब एक अच्छी जॉब मिलती है तब। तो जब आप सीएमए बने थे, जब आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का वो टैग दिखा, और प्लस आपका एआईआर भी आपका आया था, राइट? मुझे याद है जैसा कि, तो लाइक वो फील कैसा था जब आपको पता चला कि आप सीएमए बने, और वो फीलिंग कैसी थी जब आपको ये भी पता चला कि आपका ऑल इंडिया रैंक भी है? ये सर, पहले तो जब सर रिजल्ट ही देखा था, मैं तो उस टाइम पे गांव में था, तो मेरे दोस्त ने ही देखा था, एंड उसने बताया कि रिजल्ट आ गया। सुबह 9-10 बजे के करीब आया था, तो उस टाइम मैं गांव में था, और मैंने तो अपना नहीं देखा था, मेरे दोस्त ने ही देख के बताया था। उस टाइम रैंक का भी कुछ पता नहीं था, तो बस वही सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैंने घर पर सबको बताया, फिर सब फैमिली भी पूरी मेरी गाँव में ही थी उस टाइम पे, तो साथ सारे सबको बहुत खुशी हुई। एंड फिर बाद में जाके आधे 1 घंटे बाद रैंक का भी पता चला था, और खुशी हुई, मेरी 20 रैंक थी, तो बहुत खुशी हुई उस AIR टाइम। 20 आपका आया था। अच्छा, कितने मार्क्स आपके थे लाइक टोटल? सर मेरे काफी ठीक मार्क्स थे, जैसे ग्रुप ग्रुप थ्री में थोड़े 430 के आसपास थे, और ग्रुप फोर में 230 के आसपास थे, और ग्रुप फोर में 265 के आसपास थे। टोटल ओके अराउंड मेरे 500 अप्रोक्स मार्क्स थे। ओके, ग्रेट। सो काफी अच्छा था। अच्छा, आपका इंटर इंटर में आपने सिंगल सिंगल ग्रुप दिया था? नहीं सर, मैंने बोर्ड ग्रुप दिए थे। नहीं इंटर में भी आपने बोथ ग्रुप दिया था? ओके, और सर, वहाँ पे भी रैंक था या फिर वहाँ पे आप पास किए थे? नहीं सर, वहाँ पे मेरे वही 201 में, ग्रुप वन में 232 है, 238 ऐसे मार्क्स थे, तो 460-470 के अराउंड थे, बट वहाँ पे रैंक नहीं थी, 10-15 नंबर से कम थे। ओके 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 ओके। सो आपने इंटर भी बोथ दिया, आपने फाइनल भी बोथ दिया, और अब फाउंडेशन से आपने सीएमए ज्वाइन किया था, राइट? तो लाइक बहुत सारे बच्चे नर्वसनेस फील करते हैं कि सर हम बोथ ग्रुप के साथ कैसे जाए, बोथ ग्रुप में 8 सब्जेक्ट होते हैं, हम किस तरीके से हम उन 8 सब्जेक्ट को हैंडल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आपने डिसीजन कैसे लिया आपने इंटरमीडिएट के टाइम में कि मुझे बोथ ग्रुप के लिए जाना है? आपको किसी ने सजेस्ट किया था? एक्चुअली थोड़ा टफ तो होता है बोथ ग्रुप, बट क्या हुआ था, मैंने
पहले तो मैंने भी एक ही ग्रुप का सोच रखा था, बट मेरा अटेम्प्ट था दिसंबर जून वाला अटेम्प्ट था मेरा, जून 21 का, बट क्या वो उस टाइम पे कोविड था, तो वो अटेम्प्ट पहले तो पोस्टपोन्ड हो गया 1 महीने से, तो मैंने सोचा चलो एक ही देता हूँ, बट मैंने एक सब्जेक्ट और तैयार कर लिया था सेकेंड ग्रुप का, तो फिर क्या हुआ है एंड मोमेंट पे जाके वो मर्ज हो गया दिसंबर अटेम्प्ट, तो हमारा जून वाला अटेम्प्ट था, तो फिर मैंने कहा, फिर मैंने दोनों ग्रुप की तैयारी कर ली, और फिर मैंने दोनों देखा उसी 3 4 महीने की प्रिपरेशन में सेकंड ग्रुप मैंने तैयार कर लिया था, तो मैंने फिर बोर्ड दे दिया, मैंने तो सिचुएशन की वजह से चेंज कराई, नहीं तो मैंने स्टार्टिंग में सिंगल सिंगल देने का ही सीखा। ओके ग्रेट। सो एट द एंड आपने वहां से वो डिसाइड किया और आपने वहां भी बोथ रूप दिया, और इसलिए फिर आपने फाइनल में भी बोथ रूप के बारे में सोचा होगा, क्योंकि एक बार जब बंदा बोथ रूप दे लेता है तो फिर उसको बोथ ही लगता है। अच्छा यस सर, अच्छा कॉन्फिडेंस अच्छा थोड़ा आप सा आ गया था। या आपने अपनी इंटर्नशिप फॉर्म से की थी? तो मैंने दोनों से करी थी, मैंने जब दिसंबर 21 में अपना इंटर दिया था, तो फिर फरवरी में उसका रिजल्ट आया था, फिर 1 महीना मैंने सेंस वगैरह करा, तो मेरे को स्टार्टिंग में सीए फर्म में ज्वाइन करा, मैंने घर के पास में ही थी, तो उसमें मैंने ज्वाइन करा, अच्छा मतलब 6 7 महीने मैंने काम किया, अच्छा सीखा, क्योंकि मैं फिर इंडस्ट्रियल के लिए ट्राई कर रहा था, तो फिर 6 7 महीने बाद जाके मेरा 2 3 कंपनीज में सेलेक्शन हुआ था, पहले उडको में हुआ था, उसके बाद इंडियन ऑयल में हुआ था, मैंने इंडियन ऑयल को ज्वाइन करा। ओके मतलब आपने फॉर्म में भी काम किया और आपने इंडस्ट्री में भी काम किया, राइट? तो आपके पास एक अच्छा यस कॉम्बिनेशन था एक्सपोजर का। सर, ओके अच्छा, आपको मेरे मेंटरशिप के बारे में आपको कैसे पता चला कि मैं कैंपस के लिए मेंटरशिप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ? एक्चुअली आपको तो मैं जब से मैंने कोर्स ज्वाइन करा था तब से ही फॉलो कर रहा था, मतलब ओके यूट्यूब वगैरह पे आपकी वीडियो हर हर अपडेट के रिगार्डिंग थी, तो वहां से भी देख रहा था, और आपने मतलब 2 3 साल से ही शायद ये लॉन्च करा था कैंपस वाला लास्ट दो राइट। तीन अटेम्प्ट से, तो वहां से भी मैं देखा था आपका, मतलब काफी अच्छा कोर्स था, मतलब प्राइस वगैरह भी ठीक था, इसी वजह से मैंने देखा था, बाकी मैंने कंपेयर भी किया था अदर्स जो भी टीचर्स थे उनसे भी, उनके भी स्टूडेंट से मैंने बात करी थी, है ना, फिर लास्ट में जाके मैंने आपको वाला लिया था एंड, और मेरा डिसीजन जो भी था सही था, तो सो आपको अच्छा मैं लगता इसीलिए है पता जो लगा जो था वाला। प्राइस पॉइंट पे जो सारी क्वालिटी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो वैल्यू फॉर मनी है? यस सर, वर्थ इट है पूरा, ज्यादा ही है, मतलब कम दे के ज्यादा ही मिल रहा है, तो वो है कि पॉइंट है, क्योंकि यहाँ भीड़ भी थोड़ी कम है, काफी कम बच्चे, आप एक एक के नाम भी जानते थे, एक एक को वो भी करते थे, पर्सनल भी गाइड करते थे, तो वो चीज अच्छी थी, क्योंकि मैंने बाकी में देखा था वहाँ 500 600 बच्चे थे, फीस भी काफी ज्यादा थी, तो वो एक अलग फैक्टर था आपकी क्लासेस में। और आपने देखा भी होगा हमारे पास भले ही बच्चे कम है लेकिन रिजल्ट हमारे पास सबसे ज्यादा है। अप्रोक्स यस 50 बच्चे सीएमए कैंपस में, इट मीन्स 1/4 ऑफ टोटल सिलेक्शन, 200 220 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है टोटल। तो हमने 25% सीएमए कैंपस को कवर किया इतने कम स्टूडेंट में, बल्कि इस बार का दिल्ली का कैंपस था वो उतना अच्छा नहीं था, काफी कम कंपनीज राइट और राइट बहुत राइट। जल्दी भी हो गया था। सो अच्छा आप ये आप बताओ, आपने सीएमए कोर्स कैसे आपने चूज किया, आपको कैसे पता चला सीएमए कोर्स के बारे में, और आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहोगे कि सीएमए कोर्स उन्हें क्यों करना चाहिए? एक्चुअली जब मैंने 12th क्लियर करा था, तो मैंने रेगुलरली उस टाइम तो उतना पता नहीं था मेरे को, मैंने जस्ट कॉलेज ज्वाइन करा था बीकॉम ऑनर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो कॉलेज भी काफी दूर था मेरा, मेरे घर से, क्योंकि मैं गाजियाबाद में रहता हूँ और कॉलेज था साउथ दिल्ली, तो 1 1.5 घंटे तो मेरे जाने आने में डेली का 3 4 घंटे लग जाता था, तो उस टाइम पे मैंने ज्वाइन करा था, तो मेरे को पता था बीकॉम से तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो एक कोर्स अच्छे कोर्स की मेरे को वो थी रिक्वायरमेंट थी, तो मैं फिर ढूंढ रहा था, तो बाकी एक दोस्त ने मेरे पहले से ही ज्वाइन कर रखा था, और एक दोस्त मेरे कॉलेज में ही था, तो वो भी कह रहा था सीएमए एक अच्छा कोर्स है, फिर मैंने भी डिटेलिंग करी, वीडियो वगैरह देखी आपकी, वीडियो थी और भी अदर्स टीचर्स की वीडियो थी, तो वही सब देख के मैंने खुद एनालाइज किया, कंपेयर किया दूसरे कोर्सेस से, तो ड्यूरेशन कम है, बाकी सब चीजें को देखते हुए मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरे को रेगुलर कॉलेज के साथ करना था इस टाइम पे, ये सोचा था मैंने, तो इस वजह से मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। ओके ग्रेट। सो आपने अप्रोक्स 4 इयर्स के ड्यूरेशन में सीएमए कोर्स को कंप्लीट किया है, राइट? मैंने दिसंबर मतलब हाँ 2020 में स्टार्ट किया था, और 2024 दिसंबर में, 21 ओके दिसंबर में खत्म। और आपने इंटर फाइनल सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ रूप भी आपने क्वालिफाई किया, तो आपका स्ट्रेटेजी क्या रहता था, पढ़ने का तरीका क्या रहता था, किस तरीके से आप स्टार्ट करते थे सब्जेक्ट को, एग्जाम के टाइम में आप किस तरीके से आप हैंडल करते थे वो 8 दिन, क्योंकि 8 दिन के पेपर में वो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, मुश्किल से 7 से 8 घंटे मैक्सिमम पर सब्जेक्ट रिविजन का टाइम मिलता है, तो आप कैसे आप मैनेज कर रहे थे सारी चीज़ों को? सर
स्टार्टिंग में तो मैं जस्ट अपनी जो स्टडी मटेरियल था उसके पूरा फोकस करता था। मतलब पहले तो सबसे पहले हमें कोर्स कंप्लीट करना है जो भी सिलेबस में दिया गया है, तो स्टडी मटेरियल से पहले सारा कोर्स कंप्लीट किया। तो सेकेंड टाइम रिवीजन के टाइम तो मैंने थोड़ा बाहर की बुक्स जो भी जिस अगर सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट होती थी तो वो सारी चीजें कंप्लीट करता था। लगभग दो बार रिविजन करता था सब्जेक्ट्स का। एंड जो मेन दिक्कत होती थी वो 8 दिनों में होती थी, उससे थोड़ा पहले होती थी। उस टाइम में लगभग 1 दिन में हमें एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना होता है। मतलब जैसे 8 तारीख को एग्जाम है, 10 तारीख को, उससे पहले के जो 10 दिन होते हैं सब में मतलब 1 दिन में लगभग 2 सब्जेक्ट करते हैं। तो उस टाइम पे तो वैसा करा। फिर बाकी जो 8 दिन में होता है जल्दी जल्दी वो पेपर दे के आना होता है, फिर तो आते ही तैयारी खाना वाना खाके स्टार्टिंग कर देंगे तैयारी करनी नेक्स्ट सब्जेक्ट की, हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे आके। जैसे 1 बजे पेपर खत्म हुआ, 2-3 बजे तक घर बैठ घर पहुंचे, फिर वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट फिर रात में 11-12 बजे तक। तो वही था, मतलब काफी नोट्स वगैरह भी पहले के बना रखे थे जिस सब्जेक्ट में, क्वेश्चन वगैरह मार्क कर रखे थे कौन से क्वेश्चन करके जाने 1 दिन पहले या देख के जाने। तो वो था, वो आपको पहले से ही डिसाइड करके चलना पड़ेगा, नहीं तो आखिरी में जाके बहुत दिक्कतें होती, तो पहले से ही प्रिपेयर करके चलना। तो आपने सारे सब्जेक्ट के आपने क्लासेज ली थी या फिर आपने कुछ सेल्फ भी किया था सब्जेक्ट्स? नहीं सर, मैंने लगभग सारे सब्जेक्ट की सेल्फ ही करे थे बस। मतलब यूट्यूब से रिविजन वीडियोस देखता था मैं, क्योंकि ऐसे सेल्फ को कुछ से नहीं होता, बट मैंने यूट्यूब से ही देखा था। क्लास लेनी थी पेड क्लासेस, तो मैंने इंटर में केवल एक ली थी और फाइनल में भी एक ली थी। SFM ली थी फाइनल में और इंटर में लॉ ली थी, क्योंकि मेरा थ्योरिटिकल पार्ट थोड़ा कमजोर था तो इस वजह से मैंने लॉ ली थी। बट लेकिन एंड में खुद ही पढ़ना पड़ता है, तो मैं कुछ वर्क था नहीं हुई क्लास लॉ वाली थी, बट सेल्फ ही करा था मैंने तो इंटर की फाइनल यूट्यूब से। आपकी स्टोरी बहुत मोटिवेशनल है। आप एक फाइनेंशियल चैलेंजेस भी थे आपके फैमिली में, मुझे पता है, और अभी आप CMA भी बन गए, आपको एक अच्छा पैकेज भी मिला। आपने 22 सेल्फ, हम ये सोचते हैं यार कि हम 22 सेल्फ कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे एग्जाम क्रैक करेंगे, आपने 22 सेल्फ पढ़ के रैंक भी लेके आए। तो देखो, YouTube पे भी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, बच्चे अगर सही से करना चाहे तो वहाँ से, और प्लस मटेरियल्स के हेल्प से कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने प्रूव की। इवन मैंने लास्ट टाइम एक स्टोरी रिकॉर्ड की थी, उसका ऑल इंडिया रैंक 4 आया था, उसने भी पूरा 22 सेल्फ किया था और YouTube के हेल्प से किया था। तो चीज़ें पॉसिबल हैं अगर हम करना चाहें तो। डेफिनेटली हम मेहनत तो आपको ही करनी है सर, मटेरियल आपके पास। मैं बहुत तरह की मतलब लक्ष्मी नगर से बुक्स वगैरह भी लेके आता था, क्वेश्चन आयर वगैरह, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए बस हमें क्वेश्चन आयर कॉन्सेप्ट तो आपने पहले ही कर रखा है, बुक में है, यूट्यूब पे है, तो कॉन्सेप्ट वहां से देख लिए, क्वेश्चन बुक पे कर लिए, फिर अदर रिक्वायरमेंट है तो उसकी बुक्स ले ली। मैंने काफी टीचर्स की बुक्स रेफर करी थी, जैसे DT में करी थी, IDT में करी थी, SFM में करी थी, तो वो तो करी है मैंने बुक्स काफी दूसरे सब्जेक्ट दूसरे टीचर्स के लिए, ओके मतलब स्टडी मटेरियल से बाहर भी करना। ओके ग्रेट अमित, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर जर्नी, और होप सो कि आप लाइफ में और भी अचीवमेंट करो और आगे बढ़ते जाओ। कभी भी कहीं लगे कि हाँ मुझे कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, आप मुझे पिंग कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। एंड बस एक ही सजेशन रहेगा कि लाइफ में देखो कितने भी ऊपर चले जाना, कितने भी आगे बढ़ जाना, ग्राउंड मतलब ग्राउंड टू अर्थ रहना लाइफ में जरूरी है, तभी आप लाइफ में और सक्सेस अचीव करते हो। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। यस सर, बिल्कुल सर, ग्राउंड से ही है तो जहाँ पहुंचे हैं रहना तो वही है। या राइट राइट। और जितना हेल्प सपोर्ट हो सकता है अपने न्यू जनरेशन जो अपकमिंग CMAs हैं उनको ट्राई करना करने का, और अपने कोर्स के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस आप क्रिएट करना। हो सकता है अब आपको देख के आपके गांव के कितने सारे बच्चे CMA कोर्स करना चाहेंगे, जैसे मुझे देख के अभी मेरे गांव में कम से कम 5-6 बच्चे हैं जो CMA कोर्स ज्वाइन किए हैं। तो इसी तरीके से चीज़ें बढ़ेगी। यस सर, डेफिनेटली, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर।